हेलो गाइज, वेलकम अगेन। मैं सुनील गोस्वामी, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमने रेलवे एग्ज़ाम के लिए जो कैप्सूल स्टार्ट किया था, जो 400 वन लाइनर जनरल नॉलेज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे, 50 क्वेश्चन, और उसी इसका पार्ट टू है ये, 50 से 100 के बीच में जो हमने आज भी 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो जो रेलवे का एग्ज़ाम है अभी, जो लगभग 100,000 वैकेंसियाँ हैं, जो असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियन की है और ग्रुप डी की वैकेंसियाँ हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चनों की जो PDF फाइल है वो भी मैं अपलोड करूंगा ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले वाले डाली नहीं है अभी तक, लेकिन वो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, इसके साथ ही इसमें भी अपलोड होगी 50 क्वेश्चन की, उसमें 50 की इसमें। तो अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं 1 से 50 क्वेश्चन, तो वो ज़रूर देख लें। आज 50 से 100 के बीच में हम डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 50 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये कल हमने डिस्कस कर लिया था, हालांकि तो शुक्र ग्रह है वो सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, पिकॉक। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, वो क्या है? जलीय जीव है हमारा राष्ट्रीय। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो ये 3:2 रहता है लंबाई और चौड़ाई का। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा? इसके रचयिता बकीम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है 52 सेकंड है। कितनी है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इंपॉर्टेंट है ये भी। पेसमेकर का संबंध किससे है? हमारे हृदय से है, हार्ट से है। अगला देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि होता है, जो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? तो आकाश है वो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है जो महात्मा गांधी की समाधि है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में पहली रेल है वो मुंबई से थाने चली थी 1853 में। आगे आ जाएगा क्वेश्चन ये। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता में चली थी पहली मेट्रो। भारत में रेल का आरंभ, तो देखिए 1853 में चली थी, मैंने पहले बता दिया आपको, मुंबई से थाने। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है उस जो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, प्रथम CM थी ये। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, कांग्रेस पार्टी से थे ये। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो UNO की स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, द्वितीय विश्व के बाद इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो कौन थे? त्रिंगवेली। त्रिंगवेली है पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो इस समय वर्तमान में 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें 15 देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थाई? ये देखिए, ये स्थाई और अस्थाई दोनों मिलके होते हैं, तो स्थाई सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर 5 होते हैं, अभी 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो द हैग नीदरलैंड में, हॉलैंड नीदरलैंड की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव है वो कौन है, याद रखिए नाम, एंटोनियो गुटेरस। बानकी मून है वो इससे पहले वाले थे, अब है एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने का पहले भारतीय कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। हिंदी भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है जो 193, वो कौन सा देश बना है? तो वो दक्षिणी सूडान लास्ट सदस्य था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो विटामिन के की वजह से, तो रक्त का जो थक्का जमना होता है उससे संबंधित है विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो आर्टिकल 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो जो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय, जो एकमात्र भारतीय था, वो अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग से है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेल है वो 4 वर्ष के बाद होते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो कहाँ हुए, मतलब, तो रियो डी जेनेरो में हुए थे, ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल है वो भैंस की, इसको हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है वो गुरुग्राम गुड़गांव में है। और विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना है वो राव वीरेंद्र सिंह ने की थी, जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। राव वीरेंद्र सिंह गैर कांग्रेसी थे और इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी। तो आज हमने हमारा जो रेलवे कैप्सूल का Part-2 डिस्कस किया, हमने इसमें से 51 से 100 तक क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।